नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच रहे। पी चिदंबरम को 5 सितंबर तक ईडी की गिरफ्तारी से राहत। अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से 5 सितंबर तक राहत दी है। कोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला 5 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को फैसला सुनाएगा। पी चिदंबरम ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है और आज दिए गए फैसले के तहत जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एस बोपन्ना की बेंच ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के लिए मिले संरक्षण की अवधि 5 सितंबर तक बढ़ा दी है। बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का किया परीक्षण। भारत के साथ तनाव बढ़ते देख बौखलाहट में आकर पाकिस्तान की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है। पाकिस्तानी सेना के आधिकारिक प्रवक्ता के ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक रात को गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक मारक क्षमता कर सकती है। कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया भर में अकेले पड़ गए पाकिस्तान के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। अब पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार अपनी जनता को दिखाना चाहती है कि वे भारत के साथ टक्कर ले सकती है और इसी गलतफहमी में पाकिस्तान ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है। पटना हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर में लिखा, कोर्ट में भ्रष्टाचार है। चीफ जस्टिस ने 11 जजों की बेंच बनाकर के ऑर्डर पर रोक लगाई। पटना हाई कोर्ट के एक सीनियर जज की टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा हो गया है। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश कुमार ने पूर्व आईपीएस अधिकारी केपी रमैया के केस की सुनवाई के दौरान ऑर्डर में लिखा है कि कोर्ट में भ्रष्टाचार है। उन्होंने इस ऑर्डर की कॉपी पीएमओ और सीबीआई को भी भेज दी है। अब चीफ जस्टिस एपी शाही ने 11 जजों की बेंच बनाकर के जस्टिस राकेश कुमार के ऑर्डर पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के इतिहास में यह पहली न्यायिक आदेश है जिसमें खुद न्यायपालिका भी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने करीबन 2 घंटे में लिखाए गए ऑर्डर की प्रतिलिपि पीएमओ कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्रालय और सीबीआई के निर्देश को भी भेज दिया है। अयोध्या केस में दूसरे धर्म के पूजा स्थल को गिराकर के बनी इमारत शरीयत के मुताबिक मस्जिद नहीं हो सकती। अयोध्या मामले की 15वें दिन की सुनवाई में राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति की ओर से पेश वकील पीएन मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जन्म स्थल पर इमारत थी लेकिन उसे मस्जिद नहीं कह सकते। दूसरे धर्म के पूजा स्थल को गिरा करके बनी इमारत शरीयत के हिसाब से मस्जिद नहीं हो सकती। उस इमारत में मस्जिद के लिए जरूरी तत्व भी नहीं थे। उन्होंने कहा है कि मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी। यह जरूरी नहीं है कि मोहम्मद पैगंबर ने कहा था कि किसी का घर तोड़ करके वहां मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। अगर ऐसा किया तो उस जगह वापस उसके हकदार को दे दी जाए। यह एक तरह के उनका वचन था। उनके अनुयायियों को भी यह वचन लागू होता है। प्लास्टिक से बनी ये 6 आइटम होंगे बैन। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च कर सकते हैं कैंपेन। भारत ने 2 अक्टूबर से देश भर में प्लास्टिक से बने बैग, कप और स्ट्रा पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है। शहर और गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से भारत दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषित देशों में शुमार हो गया है। 2022 तक देश में ऐसे प्लास्टिक को पूरी तरीके से खत्म करने का लक्ष्य लेकर के चलने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती पर प्लास्टिक से बनी ये 6 आइटम बैन कर सकती है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक नाम न बताए जाने के शर्त पर अधिकारियों ने बताया है कि सरकार प्लास्टिक के बने बैग, कप, प्लेट, छोटी बोतलें, स्ट्रा और कुछ चुनिंदा प्रकार के सेसे भी बंद कर सकती है। एक अधिकारी के मुताबिक बंद सिर्फ इस्तेमाल में होने वाली चीजों पर नहीं बल्कि ऐसे चीजों को भी मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट भी बंद कर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेताया, कहा बंद करें बयानबाजी। कश्मीर न कभी पाकिस्तान का था और न कभी होगा। कश्मीर पर तनाव के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेताया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके पर गैर कानूनी रूप से कब्जा जमाया हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान लगातार बयानबाजी कर रहा है, वह उसका कभी न था और न कभी होगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम पाकिस्तान के बावजूद का सम्मान करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि कश्मीर को लेकर के वह लगातार बयानबाजी करेगा। कि मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर पाकिस्तान के पास था कब, और पाकिस्तान भी तो इसी भारत से निकल करके बना है। हम पाकिस्तान के वजूद का सम्मान करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि कश्मीर को लेकर के कोई लगातार बयानबाजी करता रहेगा। कश्मीर हमारा रहा है और इस बात पर इस देश के कभी शक सुबाह नहीं हुआ है। सच्चाई यह है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर भी पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ है। देश को फिट रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया फिट इंडिया मूवमेंट। नारा दिया, मैं फिट तो इंडिया फिट। देश को फिट रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को फिट बनाए रखने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर बॉडी फिट है तो माइंड फिट है। इस दौरान उन्होंने देश को मैं फिट तो इंडिया फिट का नारा दिया है। इस कार्यक्रम में राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत की कई हस्तियां शामिल है। फिट इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से सरकार लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना चाहती है। यह अभियान लगभग 4 साल तक चलाया जाएगा जिसमें फिटनेस और स्वास्थ्य को लेकर के हर साल अलग अलग मुद्दों पर अभियान चलाया जाएगा।
अब बदल जाएगा व्हाट्सएप, आ रहा है नया फीचर। इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस में दिनों दिन नए फीचर आ रहा है। हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म में बदलाव करने का फैसला लिया था और ग्रुप स्टिकर जैसे फीचर में लाने की तैयारी थी, लेकिन अब नए रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लेकर के आ रही जिसमें से व्हाट्सएप की थीम ही बदल जाएगी। वेब बीटा इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी कस्टम थीम पर काम कर रही है जिसे व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा। इसके अलावा शुरुआत में कंपनी मल्टीपल थीम लेकर के आएगी जिसे आप यूज कर सकेंगे। आपको बता दें कि अब तक यूजर सिर्फ व्हाट्सएप में चैट्स के बैकग्राउंड इमेज को ही चेंज कर सकते थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक यह उम्मीद है कि व्हाट्सएप शायद थीम कस्टमाइजेशन या फिर मल्टीपल थीम लेकर के आ रहा है, यानी यूजर्स थीम को अपने मुताबिक कस्टमाइज भी कर पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस थीम के साथ साथ डार्क मोड भी रहेगा। नई मुश्किल में फंसे सांसद आजम खान, मकानों पर जबरन कब्जा करने के आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर के सांसद आजम खान अब नई मुश्किलों में फंस गए हैं। उन पर जमीन के लिए मकान पर जबरन कब्जा करने के आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ पुलिस ने दो अलग मामले दर्ज किए हैं। आरोप यह है कि जो लोग जबरन मकान खाली करवाने पहुंचे उन्हें लूटपाट और मारपीट को भी अंजाम दिया गया है। रामपुर के एसएसपी अजय शर्मा ने कहा है कि लोगों ने शिकायत की है कि इसके पहले उनको लालच दिया गया और कहा गया कि उनको दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके घरों को तोड़ दिया गया, मारपीट भी की गई और सामान आदि भी लूट लिए गए हैं। यह प्रथम दृष्टांत जांच में यह मामला सही पाया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अब 2021 में होने के आसार। परिसीमन से बदलेगी राजनीति। धारा 35 ए और 370 हटने के बाद पूरे देश की निगाह जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव पर है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2021 में हो पाएगा। वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में होने वाला परिसीमन। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने और परिसीमन आयोग के गठन के बाद परिसीमन की प्रक्रिया में कम से कम 10 से 15 महीने का वक्त लगता है। सूत्रों की माने तो यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर के बाद ही शुरू होगी, लेकिन चुनाव आयोग के परिसीमन के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए 2000 और 2001 के उत्तराखंड में किए गए परिसीमन के आधार पर बनाएगा। करीबन 10 चरणों में परिसीमन का यह काम पूरा होगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले 1995 में परिसीमन हुआ था जिसके मुताबिक वहां विधानसभा की कुल 111 सीटें थी। अब लद्दाख के अलग यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 4 सीटें कम हो जाएगी, यानी अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 सीटें ही रह पाएंगी। पाकिस्तान में इमरान खान के कार्यालय की कट सकती है बिजली, लाखों का बकाया बिल बाकी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा है। इस्लामाबाद की बिजली कंपनी ने लाखों रुपए के बकाया बिल का भुगतान नहीं होने पर प्रधानमंत्री कार्यालय की बिजली काटने की धमकी दी है। पाकिस्तान इन दिनों वित्तीय संकट से गुजर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यालय का 41 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है जिसमें 35 लाख रुपए पिछले महीने का बिल शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा इंडस्ट्री को राहत देने के लिए अगले हफ्ते होंगे नए ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हमने पिछले दिनों इंडस्ट्री की डिमांड के बाद ही अहम ऐलान किया था और साथ ही ऑटो सेक्टर को लेकर के बड़े फैसले किए गए हैं। अगले हफ्ते और सरकार नए ऐलान कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, वह अभी तक कांग्रेस ने अपनी हार से भी सबक नहीं सीखा है। आपको बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त को इंडस्ट्री के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान किया था। लिहाजा अब आरबीआई से मिले धन का एक हिस्सा अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में घोषणा किया था कि बैंकों में जल्द से जल्द 70,000 करोड़ की पूंजी भी डाली जाएगी। इससे बैंकों के कर्ज की ब्याज दरों को नीचे लाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा था कि बैंक घर वाहन और अन्य प्रकार का कर्ज पर भी सस्ता होगा। केंद्र सरकार का पर्यावरण पर जोर, ग्रीनरी बढ़ाने के लिए 27 राज्यों को 47,000 करोड़ रुपए दिए। पर्यावरण मंत्रालय ने 27 राज्यों को वनीकरण और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए गुरुवार को 47,346 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस हरित गतिविधि में जंगल की आग की रोकथाम, जैव विविधता प्रबंध और मिट्टी संरक्षण शामिल है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्षतिपूरक वनीकरण फंड मैनेजमेंट और योजना प्राधिकरण के तहत यह राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि कोष का उपयोग नवीनीकरण, वन्य जीव प्रबंध, जंगल की आग की रोकथाम, जंगलों में मिट्टी और नमी संरक्षण कार्य, संरक्षित क्षेत्रों के गांवों का स्वैच्छिक पुनर्वास, जैविक संसाधनों और जैव विविधता के प्रबंध, वनीकरण में अनुसंधान और कैंप कार्यों की निगरानी के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान गुरु नानक जयंती समारोह के लिए वीजा संबंधित कार्रवाई 1 सितंबर से शुरू करेगा। पाकिस्तान नवंबर में गुरु नानक देव महाराज की 550वीं जयंती समारोह में भाग लेने की योजना बना रहे भारत और अन्य देशों के तीर्थयात्रियों के लिए 1 सितंबर से 1 महीने तक वीजा जारी करने के लिए संबंधित आवश्यक कार्रवाई करेगा। गवर्नर हाउस ने बुधवार को राज्यपाल चौधरी सरवर की अध्यक्षता में धार्मिक पर्यटन और विरासत समिति ने बुधवार को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है। पाकिस्तानी पंजाब के राज्यपाल चौधरी सरवर ने कहा है कि 12 नवंबर को बाबा गुरु नानक देव की 550वीं जयंती
जयंती के समारोह में भारत और अन्य देशों के सिख यात्रियों के लिए वीजा प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी और 30 सितंबर तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। आज का माइंड किस क्वेश्चन आ चुका है, ममता बनर्जी किस राज्य की मुख्यमंत्री है? इसका सही सही आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।